hello everyone i'm shweta and i'm an intern at law minds today we will be discussing the infamous topic the problem of overpopulation and its effects on the environment so first we will we'll discuss ki overpopulation, its the effects, its causes a risky the solution and then we'll go for the gist of everything so अगर हम लोग एनुअल एनुअल ग्रोथ रेट बात करें कि ओवर पॉपुलेशन में हो किस हिसाब से रहा है तो यूएन के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्रोथ रेट है अगर हम लोग अभी की बात करें तो टू तो थाउजेंड में था ये एट बिलियन के अक्रॉस में बट 2025 तक इसका जो आ, है, रेट है वो टेन पॉइंट एट बिलियन तक चल, चला गया है और जो ग्रोथ रेट इन परसेंटेज है वो टू पॉइंट फाइव परसेंट तक है अब ओवर पॉपुलेशन कॉज कैसे होता है या फिर पता कैसे चलता है कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि अगर अर्थ रिसोर्सेज uh, को जनरेट नहीं करवा कर पा रहा है और पॉपुलेशन उसको यूज नहीं कर पा रही है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है अब सपोज कि वर्ल्ड की वर्ल्ड uh, पहले हंड्रेड परसेंट uh, के हिसाब से हम लोग लेंगे तो जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ऑफ़ द रिसोर्सेज यूज कर चुकी है और 90% परसेंट से ऊपर उसकी पॉपुलेशन हो रही है एंड रिमेनिंग आर लाइक टेन टू नाइन परसेंट के अब आस पास पड़ी हुई है हमारे पास जो रिसोर्सेज है अर्थ के अब अगर ये रिसोर्सेज अगर टाइम टू टाइम यूज हुए जा रहे हैं तो यहाँ पे उसको रीजनरेट करने का अर्थ को टाइम ही नहीं मिल रहा है सो so, इस तरीके से हमें उसकी ओवर पॉपुलेशन पता चलती है सिंस 1970 से अगर हम लोग देखें, तो ये चीजें और ज्यादा डैमेजिंग बनती जा रही हैं, क्योंकि ओवर कंजम्पन हो रहा है और ओवर पॉपुलेशन इसको और बढ़ा रहा है अब यहाँ पे ना कुछ ट्रेंड्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के जो कि बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं एनवायरमेंट में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूएन का इस पे क्या कहना है यूएन ये कहता है कि 2100 जब ईयर आएगा अब 10.8 बिलियन हो जाएगी हमारी जो अ uh, पॉपुलेशन है अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इस ओवर पॉपुलेशन पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पहला है अनसस्टेनेबल ट्रेंड्स जो कि लाइक सस्टेनेबिलिटी और uh, इस पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है दूसरा है फॉलिंगMortality rates इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स ये कुछ रीजन है जो कि इसको कॉज करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके डिस्क्रिप्शन से पहला हैिटी रेट uh, तो अब इसमें क्या होता है कि uh, पहले तो हम ये जानेंगे मोर्टेलिटी रेट क्या होता है इट्स रेशियो ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट तो यहाँ पे हम लोग अब आज के टाइम में अगर देखें तो इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट में और अभी अगर हम लोग देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा ग्लोबली डिक्रीज हो चुकी है विथ 4.1 मिलियन इन्फेंट डेथ से और 2017 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो उस टाइम पे 8.8 मिलियन थी 1990 में डब्ल्यू एच के अकॉर्डिंग एट द सेम टाइम क्या हुआ है कि जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो चुकी है अगर हम लोग एनसेस्टर्स से अपने कंपेयर करें नाइनटीन uh, से तो उस टाइम पे जो लोगों की हमारे जो इंसेस्टर्स की जो लाइफ स्पेन की जो रेट थी उससे भी ज्यादा डबल हम लोग की होगी क्योंकि हमारे एडवांसमेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी में मेडिसिन में एंड जनरल हाइजीन में सेकेंड पॉइंट है अंडर यूटिलाइज कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसको आज भी बहुत सारे स्टेट्स पे यूटिलाइज नहीं करते हैं फीमेल्स जिसकी वजह से जो फैमिली प्लानिंग है वो uh, एक फिक्स उसमें नहीं चल रही है हमें फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल एजुकेशन अगर हम लोग जेंडर गैप की बात करें तो अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में फीमेल की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जेंडर गैप क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू यू एन प्राइमरी गर्ल्स जो अभी भी स्कूल जाती हैं वो सिर्फ फिफ्टीन मिलियन हैं अकॉर्डिंग टू टेन मिलियन बॉयज जो कि प्राइमरी स्कूल से भी आगे पढ़ते हैं सो so, हमें इंक्रीज करना चाहिए एजुकेशन अमंग वुमेन एंड गर्ल्स जिसकी वजह से पॉजिटिव रिपल इफेक्ट्स हमें मिलेंगे जैसे कि डिलेड चाइल्ड बेयरिंग एंड इंक्रीज इन वर्क पार्टिसिपेशन नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इसके इफेक्ट्स क्या इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन तो अब इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जिसमें रिसोर्स का डिग्रेडेशन ये सब चीजें फैक्टर्स आ जाती हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इसकी तो जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो कैसे कॉज होता है तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है कि कि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए उनको जॉब करना है फिर डिक्रीज डिक्रीज uh, हो रहा है अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऑफकोर्स बायोडाइवर्सिटी जो है की वो डिक्रीज होगी और स्पाइक इन पॉपुलेशन हो रहा है और एमिशन हो रहा है इस, इन सब चीजों की वजह से क्लाइमेट चेंज का तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी और जो भी आजकल की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब सब और ज्यादा स्पाइक होंगी डिसप्शन साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि अगर ऐसे ही प्लानिट में अः और ये सब होता रहेगा तो उसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेस पहुंच रहा है हमारे प्लानिट को जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है अब सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अब जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो गया है तो हम सबको पता है कि कहीं पे भी सारे रिसोर्सेस एक जगह हमें नहीं मिलते हैं अब जैसे अगर इंडिया को भी बहुत सारी सामान जैसे ऑयल चाहिए तो वो रशिया से लेता है यूएस से लेता है इसराइल से लेता है अलग अलग कंट्रीज से उसके टाइज हैं जहाँ से वो रिसोर्सेज को लेता है तो एक जगह से हमें कोई भी सामान नहीं मिलेगा तो लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए हमें कंफ्लिक्ट करना पड़ रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वो पहले से वाटर लैंड एनर्जी रिसोर्सिस के लिए कितना ज्यादा लड़ रही है और कितना ज्यादा इन सब की वजह से टर्मोइल क्रिएट हो रहा है जो कि इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल पॉपुलेशन की तरफ ही सेकंड है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है हायर रिस्क ऑफ डिजास्टर्स इन पैंडमिक्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी कोविड uh, का फेज गया है जीका वायरस और इबोला वायरस हम uh, पहले भी आ चुके हैं अब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से नोवल पैथोजें जो है वो भी क्रिएट हो रहे हैं एक पीरियड आ रहा है आउटब्रेक एक्टिविटीज का जो कि ह्यूमंस की जो हैबिटेट्स uh, हैं जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है इन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है ना ही सिर्फ ह्यूमंस बट इसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं एनिमल्स हैं इनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है टाइम टू टाइम ऑन रेगुलर बेसिस अब इनके लिए और क्या क्या चीजें हैं जो कि सबसे मेन तो फैक्टर आ जाता है क्लाइमेट चेंज का जिसकी वजह से ये सब हो रहा है जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है वो पॉपुलेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हो रहा है जो कि सबसे बड़ा मेन फैक्टर हो जाता है क्लाइमेट चेंज के कंट्रीब्यूशन का जो कि लेड कर सकता है रेंज ऑफ नेगेटिव एक्टिविटीज को और नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि अब आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो कि मतलब इसको और इंक्रीज करते हैं जैसे राइज इन सी लेवल्स मोर फ्रीक्वेंट एंड वेदर इवेंट्स और ऐसी ही बहुत सारी चीजें नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड इकोनॉमिक इन अब अगर हम लोग अभी देखें तो अभी हम लोग का एक सोशल स्ट्रेटा जो है सोसाइटी में वो इक्वल नहीं हो पा रहा है जैसे कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है सोशली और इकोनॉमिकली अगर हम लोग प्लेस करें लोगों को तो बेसिस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जा रहा है जॉब के लिए कंपटीशन है लैंड के लिए और अदर रिसोर्स के लिए भी बहुत ज्यादा ऐसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है जैसे कि हमने क्लाइमेट चेंज में देखा तो इसकी वजह से क्या हो रहा है सीओ टू एमिशन हो रहे हैं और उसकी वजह से इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स आ रही है ओवर पॉपुलेशन जो है वो अब इंक्रीज होके 10.8 बिलियन तक पहुंच चुकी है और CO2 अगर एमिशन देखें तो वो सेवन थाउजेंड के आसपास पहुंच चुका है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन CO2 का मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो अगर बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज यही होता है अब हम लोग अपने लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं सोल्यूशन इस पूरे जो ओवर पॉपुलेशन की जो थ्योरी है उसका सोल्यूशन क्या होगा तो सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है वो है फैमिली प्लानिंग तो फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वजह से बहुत ही इफेक्टिव वे में हम लोग एड्रेस कर सकते हैं ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन को अगर हम लोग इंडिविजुअल्स और गो कपल्स को ये टूल प्रोवाइड करते हैं टू तो प्लान देयर फैमिली एंड स्पेस दे प्रेगनेंसी इसकी वजह से क्या होगी रिडक्शन होगा अन इंटेंडेड प्रेगनेंसीज का जो कि प्रोमोट करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ को भी अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं फैमिली प्लानिंग की जैसे हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गई बैरियर मैथड्स हो गई लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स हैं ये जिनकी वजह से हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं उसके बाद आता है एजुकेशन इन एम्पावरमेंट एजुकेशन अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से हम लोग हेल्थ को मेनटेन कर सकते हैं स्मॉलर फैमिली को अपना एक बेनिफिट uh, होगा और अगर स्मॉलर फैमिली है तो ओवर पॉपुलेशन का जो फैक्टर है वो भी रिड्यूस होगा यहाँ पे प्रमोशन होगा सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ का और ये जो ग्रोथ होगी वो जेंडर बायस नहीं होगी और यहाँ पे सारी चीजें एक सोशली और इक्वालिटी uh, हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगी और इसके हम लोग कई फॉर्म्स दे सक देख सकते हैं कैसे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं कि अब एजुकेशन को बढ़ाना है तो स्कूल बेस्ड सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए कम्युनिटी आउटरीच करना चाहिए और मीडिया कैंपेन्स हम लोग पॉइंट की बात करेंगे सस्टेनेबल की। ये अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में कंसिडर हो सकता है क्योंकि अगर इसको हम लोग प्रमोट करेंगे तो हमें एक एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ मिलेगी हमारे जो डेली लाइफ स्टाइल होगी वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी वेस्ट नहीं होगा ओवरऑल जो कंजम्पन होगा वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा जैसे अब हम लोग इसके लिए कर क्या कह सकते हैं अगर फॉसेट हमारा ऑन है तो उसको ऑफ कर सकते हैं हम लोग प्लास्टिक्स को कट uh, कर सकते हैं उनका जो रिसाइकलिंग है हम लोग अपसाइकिल कर सकते हैं हम लोग uh, लोकली ईट कर सकते हैं कहीं पे भी अगर हमें जरूरत हो हम लोग स्मार्टली शॉप कर सकते हैं अगर हम लोग यूटिलाइज uh, कर रहे हैं क्लोथ्स को किसी को दे दे रहे हैं अगर हम लोग सिर्फ फेंके नहीं किसी को दे दे तो वो भी बहुत सही इफेक्ट होगा हम लोग एनर्जी स्टार प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे जो कि गवर्नमेंट प्रोड्यूस uh, करती है उसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है हम लोग स्टेप्स लेंगे रिड्यूस फूड वेस्टेज का तो ड्राइव लेस करेंगे ईट uh, करेंगे हम लोग मीटलेस मील्स को तो इन सब चीजों की वजह से सस्टेनेबल लाइफ हमारी क्रिएट हो सकती है अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वर्ल्ड वाइड ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है और ये होलिस्टिक अप्रोच है डेवलपमेंट के लिए जो कि बैलेंस करता है इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स को अब जो ये अप्रोच है वो रिकॉग्नाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट क्रिएट uh, करता है सस्टेनेबल सस्टेनेबल uh, आगे आने वाली जो हमारे पीढ़ी है इसके लिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक मतलब यही होता है कि हम लोग ए, इस तरीके से अपने गुड्स को यूटिलाइज करें कि आगे वाली नीड्स के लिए हम लोग उसको सिक्योर भी करें और अपने लिए भी हम लोग अपनी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके तो अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे रेन्यूएबल एनर्जी में प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इसकी वजह से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हम लोग उसको कॉन्कर कर पाएंगे नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चीज अब बची है वो हमारी समरी है इस पे हम लोग मैं ओवरऑल प्रोवाइड करूंगी तो ओवर पॉपुलेशन में हमने क्या क्या देखा हमने इसमें देखा कि ओवर पॉपुलेशन कॉज कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है और इसके सल्यूशन क्या हो सकते हैं ये एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ही फार रीचिंग ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको समझना इतना इजी नहीं है इसको कंट्रोल करना और इसके रेंज ऑफ सॉल्यूशंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको कंट्रोल करना आना चाहिए हमें जैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग फैमिली प्लानिंग एजुकेशन को और प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल लाइफ को रिडक्शन कर सकते हैं वेस्ट में तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करेंगी अब हम लोगों को पॉलिसीज यूज करनी चाहिए इमिग्रेशन रिफॉर्म और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें टेक्नोलॉजी में इनोवेश करने चाहिए एडिशनल सोल्यूशन uh, में जिसकी वजह से जो ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है जो ये टर्म है उसको हम लोग एड्रेस कर पाए कर पाएंगे अल्टीमेटली इन सारे सोल्यूशंस का की इफेक्ट जो पड़ेगा वो ओवर पॉपुलेशन पे पड़ेगा और इसको हम लोग रिकोगनाइज तभी कर पाएंगे जब हम लोग इस पर गौर करेंगे और ये एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है जिसको हम लोग अगर हम लोग कॉन्कर कर लिए तो हम लोग सोशली इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली हम लोग इस पर एक एथिकल फैक्टर बना लेंगे कि ओवर पॉपुलेशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए हमें इसे कैसे स्टॉप करना चाहिए थैंक यू ये ओ, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम और इसके एनवायरमेंट पे इफेक्ट्स की एक पूरी समरी थी Thank you so much.